बुद्धि योग देता हूं, बुद्धि में मेल देता हूं, योग देता हूं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जो संसार के लिए भगवान का भजन करते हैं वो संसार में प्रेम करते हैं, लेकिन संसार की कोई चीज मिले चाहे न मिले, तेरी भक्ति मिले, बस तेरी प्रीति मिले, इसलिए भजते हैं, वो भगवान में प्रीति करते। और जिसको भगवान में प्रीति हो गई, संसार तो उसके पीछे पीछे चलेगा, जैसे पुरुष के पीछे पीछे पुरुष की छाया, सेठ के पीछे पीछे उसका पाला हुआ पशु कुत्ता, ऐसे ही जो भगवान में प्रीति करता है, माया की चीजें तो उसकी दासी हो जाती। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, आपकी ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। तू हो मेरा तो जग हो तेरा, और तू नहीं मेरा तो सिर कुट तेरा। तू हो मेरा तो जग होगा तेरा, और तू नहीं मेरा तो सिर कुट तेरा। हाय हाय, ए हो गया, वो हो गया, ए हो गया, सिर कुट कुट के जिंदगी पूरी हो जानी है। फरियाद करते करते लोग दुखी हो जाते। फरियाद मत कर, दुख का भोगी मत बन, दुख का उपयोगी बन। दुख का उपयोग कर, पट्टा ने दुख से विवेक को जगाया। दुख हरि पद को पाने के लिए सजग हो गई। संसार दुखालय है लेकिन हम दुख चाहते नहीं, तो दुख से पार की जगह क्या है भंते ने बता दी। पट्टा मौन रख के साधना करती थी। दुनिया की करोड़ों करोड़ों माइयां हो गई, करोड़ों करोड़ों आदमी हो गए, लाखों लाखों साधु संत हो गए, लेकिन पट्टा ने जब मौन खोला और उपदेश दिया, गजब कर दिया उसने। मौन रखने से सामने वाला आपकी आज्ञा पालने को तैयार हो जाएगा, इतना आत्मिक बल आता है। आज्ञा भी अच्छी होती है, तब मौन रखने से तो अच्छा ही आएगी। मौन से शक्ति का संचय होता है, सद्बुद्धि का संचय होता है, भक्ति में दृढ़ता होती है। बोलने से तो कभी झूठ बोलने का पाप भी बनता रहता है, न बोलने से वो पाप से भी मुक्ति, और वाणी बोलने से ओज खर्च होता है, वीर्य खर्च होता है, मज्जा का अंश खर्च होता है, न बोलने से उसका संचय होता है। बोलते बोलते थक जाते, नहीं बोलते तो संचय होता है, हम फिर बोलने की शक्ति आ जाती। काम करते करते हम थक जाते, काम नहीं करते तो काम करने की थक शक्ति आती। तो न बोलने से जो शक्तियां खर्च होती थी, वो सारी शक्तियां बच गई और बरकत आ गई भजन में। और पट्टा ने जब मौन खोला और बोली, बाप रे बाप, दुनिया का आज तक कोई ऐसा पुरुष नहीं जिसने बोला और उपदेश, एक पहले उपदेश से 500 महिलाएं भिक्षुणी बन गई, साध्वियां बन गई। दुख में डूबी हुई पट्टा इतने सुख स्वरूप में पहुंच गई और ऐसा बोला कि 500 महिलाएं ने ऐश आराम की और लाली लिपस्टिक वाली और फैशन वाली जिंदगी दुख में डुबाने वाली है, और सादगी की जिंदगी और अंतर्मुख जिंदगी परम सुख रब से मिलाने वाली है, ऐसी दीक्षा ले दी 500 महिलाओं। तुम लोगों ने दीक्षा ली, लेकिन केवल घर में रहकर भजन करने की दीक्षा ली, वो तो भिक्षुणी बन गई, घर बार का त्याग। 500 महिलाएं, तो आपके अंदर दुख और सुख दो चीजें होती है, एक अनित्य और दूसरी नित्य है। दुख सुख और शरीर अनित्य है, उसको जानने वाला आत्मा और परमात्मा नित्य है। नित्य को तुम जान लो तो तुमको नित्य परम आनंद मिलेगा, और नित्य को पीठ देकर अनित्य संसार से तुम सुखी होने को जितना भी दौड़ लगाओगे उतना तेजी से दुख मिलता है। इसलिए संसार के सुख को भोगते समय सावधानी रखो। जैसे जलेबी बन रही है गर्मा गर्म कढ़ाई में, चाशनी में जलेबी डूब रही, अब मक्खी को सुगंध आई मिठास की, धीरे से मक्खी किनारे आकर थोड़ा सा मिठास लेकर चली गई, वो है सियानी मक्खी। और जो मूर्ख मक्खी है
चिंता मत करो, जो मूर्ख मक्खी है वो चाशनी में सुखी होने के लिए डूब मरी, ऐसे जो मूर्ख बुद्धि है वो संसार के सुख में डूब कर तबाही के तरफ जाती है। संसार के सुख दुख में डूबो मत, संसार के किनारे रहो, सुख दुख के किनारे रहो, सुख दुख को देखने वाले रहो, मान अपमान को देखने वाले रहो। बढ़िया दो आम सवार कर पत्नी ले आई बाल गंगाधर तिलक के पास, एक एक फाक खाई, जाओ नौकरानी को दे दो, बच्चों को दे दो, ये आपूस आम है और ये केसर आम, बड़ी सुगंध है, बड़े मीठे हैं, क्या खट्टे थे क्या? बोले नहीं बहुत मीठे हैं, अच्छे नहीं लगे, बहुत अच्छे लगे, भूख नहीं है क्या? बहुत भूख लगे, तो फिर खाते क्यों नहीं? बोले अच्छी चीज खाकर आसक्त नहीं बनना है, अच्छी चीज बांटकर अच्छी चीज की गुलामी से पार होकर अच्छे को पाना है, इसलिए बांट दो। हम क्या करते हैं, जो अच्छी लगती है ठास ठास के खाते और रिश्तेदार या कुटुंबियों से अन्याय कर लेते, और जो अच्छी नहीं लगी बेटे खा लो तुम ये बेईमानी होती है। अच्छी चीज बांटो और कठिन ऐसी वैसी है तो आप उसका उपयोग कर लो, तो ये आसक्ति मिटाने का तरीका है। सुख को बांटो और दुख को जाने वाला समझकर दुख हरी का बल जगाओ, आपके दोनों हाथ में साधन हो जाएंगे, सुख भी साधना, दुख भी साधना, मान भी साधना, अपमान भी साधना, जीवन भी साधना, बुढ़ापा भी साधना, बीमारी आई है तो शरीर को आई है। जैसे हाथ में राख लेते तो हाथ मैले होते हैं, लेकिन वो मिट्टी राख चिकनाट और मैल को हटा लेते हैं, ऐसे बीमारी आई शरीर थोड़ा ढला, लेकिन बीमारी आई शरीर को, रोग आए शरीर को, बदहजमा था इसलिए बुखार आया, अमुक भोग विकार ज्यादा थे इसलिए कमजोरी के कारण फलानी बीमारी आई, अब भोग विकार ज्यादा नहीं करेंगे, चटोरापन ज्यादा नहीं करेंगे, बीमारी आई सावधान करने को, वाह धन्यवाद जा रही है, अब नहीं बुलाएंगे तुझे, अब बेवकूफी नहीं करेंगे, तो आपके लिए बीमारी भी एक शिक्षाप्रद गुरु हो गई। ऐसे आपको सफलता मिली तो आपने दूसरे की भलाई चाही, दूसरे का हित चाहा, कोई पुण्य कर्म है, ईश्वर की कृपा है, तो पुण्य का, ईश्वर की कृपा का, दूसरे की भलाई का चिंतन करके आप अपना भला हृदय बनाइए और बांटिए, आप और भले होते जाएंगे। जो अपने को ऊंचा और सुखी बनाने के होड़ में है वो आसुरी संपदा के हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, लेकिन जो दूसरे को ऊंचा और सुखी बनाने में लगते हैं उनकी दैवी संपत्ति जागृत होती है, उनकी दिव्यता जागृत होती है। अपनी भलाई का इतना ख्याल जो ज्यादा रखते हैं उनकी इतनी भलाई नहीं होती, जितना दूसरों की भलाई का ख्याल करके काम करते उनकी खुद की भी खूब भलाई हो जाती। देख लो संत लोग दूसरों की भलाई का दिन रात चिंतन करते तो उनकी भलाई कोई बाकी रहती क्या? और जो अपनी भलाई में लगे रहते हैं उनकी भलाई कभी पूरी हुई क्या? उनका तो स्वार्थपूर्ण व्यवहार आपको किनारे कर देगा। अरे ये तो बड़ा स्वार्थी, जो अपनी भलाई चाहेगा तो स्वार्थी, तो स्वार्थी से जल्दी आपकी पटेगी नहीं, और जो अपनी भलाई का महत्व नहीं रखता उन्हीं स्वार्थी सबको प्यारा लगेगा। तो अपने को ज्यादा सुखी करने की गलती भुला दो, दूसरों के दुख मिटे, दूसरे सुखी रहे, हम अपने आप में ठीक है।